राधे राधे दोस्तों, मैं कृतिका स्वागत करती हूं आप सभी का किचन वर्ल्ड बाय कृतिका में। आज होली स्पेशल में मैं आप सबके लिए लेकर आई हूं सबसे आसान लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस पापड़, जो है आलू के पापड़, जिन्हें बनाना है बहुत आसान। आप चाहे जितनी भी तरह के पापड़ बना लें, जैसे भी बना लें, आलू के पापड़ का टेस्ट तो सबसे ऊपर रहता है। होली पर सबसे ज़्यादा खाए जाते हैं चिप्स, पापड़, कुरेरी, तो फिर बाहर से क्यों लाना, घर में ही जब इन्हें आसानी से बनाया जा सकता है। तो आज हमारे होली स्पेशल की शुरुआत होती है आलू के पापड़ बनाने से। लेकिन जो पापड़ आज हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं व्रत के लिए। शिवरात्रि आने वाली है तो व्रत में चिप्स पापड़ तो चाहिए होते हैं ना, इसलिए हम बना रहे हैं व्रत वाले पापड़ जिससे आप आसानी से व्रत में खा सकते हैं। और आपको पता है आज के पापड़ जो हम बनाएंगे आलू के, वो इतने हल्के फुलके कुरकुरे क्रिस्पी बनेंगे कि आप थोड़े से आलू में ही ढेर सारे पापड़ बना सकते हैं, और तो और आप उन्हें स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो फिर चलते हैं और शुरुआत करते हैं अपनी आज की रेसिपी की। लेकिन उससे पहले आप सभी दोस्तों से निवेदन है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं बॉइल्ड आलू, वजन में ये लगभग 800 ग्राम होंगे। तो इनको आपको अच्छे से बॉईल करके इनका छिलका जो है वो निकाल लेना है, और अब हमें करना है इसको अच्छे से मैश। तो आप किसी भी मैशर की सहायता से या फिर हाथों से या फिर किसी भी कटोरी की सहायता से इनको अच्छे से मैश कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे इसमें कोई भी लम्स या गुठली नहीं रहनी चाहिए, अगर गुठली रहेगी तो हमारा पापड़ अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए हम इसे अच्छे से फाइन मैश कर लेंगे और फिर ये एक डो की कंसिस्टेंसी में दिखने लगेगा। ये देखिए कितना फाइन हमारा डो बनकर रेडी हुआ है आलू का। अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। व्रत के लिए बना रहे हैं तो हम इसमें मिलाएंगे काली मिर्च कुटी हुई, साथ में मिलाएंगे सेंधा नमक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिला सकते हैं। इसके साथ ही हम मिलाएंगे यहाँ पर जीरा, और हम मिला देते हैं इसमें कटा हुआ हरा धनिया। इन सबको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। मसालों की जो क्वांटिटी है आप उसे अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा भी आप पसंद करते हैं। और इसे हमने कर लिया है अच्छे से मिक्स। अब बारी आती है इनकी लोई तैयार करने की। तो हम यहाँ पर बड़े साइज़ के पापड़ बना रहे हैं, इसलिए हम जो लोई का आकार है वो भी हम बढ़ा लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग मीडियम, छोटा कैसे भी रख सकते हैं। छोटे पापड़ बनाएंगे तो क्वांटिटी में ज़्यादा बनेंगे, बड़े पापड़ बनाएंगे तो क्वांटिटी में कम बनेंगे, सीधी सी बात है। तो हम यहाँ पर बना रहे हैं बड़े पापड़, इसलिए हमने यहाँ पर बड़ी बड़ी अपनी लोइयाँ तैयार कर ली हैं। इसके बाद आपको यूज़ करनी है एक प्लास्टिक शीट जो कि पूरी तरह से साफ़ होनी चाहिए, और उस पर हमें हल्का सा तेल या घी को ग्रीस कर लेना है। ध्यान रहे आप जहाँ भी पापड़ बना रहे हैं वहाँ की सतह जो है वो एकदम प्लेन होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए, इससे पापड़ एकदम बढ़िया बनेंगे। अब हमें लेनी है एक और कौली छोटी सी, और उसको भी अच्छे से ग्रीस कर लेना है। तो जिस भी साइज़ का आप पापड़ बना रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी कौली बनाएंगे। अब हम लोई को रखेंगे इसके ऊपर, और जो हमने छोटी कौली है उसको ऊपर से रख के इस तरह से टैप कर देंगे। और यहाँ मैंने एक चकली का यूज़ किया है, आप किसी भी प्लेट का यूज़ कर सकते हैं या किसी भी चीज़ का जो आपके पास हो, और हल्का सा प्रेस करेंगे। और प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो पापड़ है वो कितने अच्छे से बनकर रेडी हुआ है। और आपको जहाँ से लग रहा है कि पापड़ मोटा है तो उधर से इस तरह हाथों से उंगलियों से उसे फैला सकते हैं, और हमारा जो पापड़ है वो परफेक्टली बनकर रेडी हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा गोल हमने बनाया है यहाँ पर, और इसी तरह हम बाकी के पापड़ भी रेडी कर लेंगे, और बहुत ही सिंपल स्टेप्स में आसानी से बनकर रेडी भी हो जाते हैं। और बस आपको इसको टैप करते जाना है और अपनी जो पॉली है उसे हटाते जाना है। ध्यान रहे जिस भी पॉली का हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, जिस भी प्लास्टिक शीट का यूज़ कर रहे हैं, वो अच्छे से ग्रीस हुई होनी चाहिए, वरना आपके आलू के पापड़ उस पर चिपक सकते हैं। और आप इनको डायरेक्ट धूप में ही बनाएं तो वो सबसे बेस्ट तरीका है। तो अब हमें इनको 2 दिन तक अच्छे से धूप दिखानी है, जब तक ये अच्छे से सन ड्राई नहीं हो जाते हैं। 2 दिन की धूप में हमारे जो आलू के पापड़ हैं वो अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। अगर धूप हल्की है तो 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं। अब हमारे पापड़ों को लगेगा समय, लेकिन आपको लाइक करने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। 1 सेकंड से भी कम समय में आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और 2 दिन बाद हमारे जो आलू के पापड़ है वो अच्छे से सन ड्राई हो जाएंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये ड्राई हो चुके हैं। अब बस बारी आती है इनको तलने की। तो मैंने यहाँ पर तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है, और फटाफट से हम अपने पापड़ इसमें तलेंगे।
तो तलने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ईजी है, बस आपको डालना है, हल्के से प्रेस करते हुए इसको सेक लेना है और फटाफट इनको निकाल लेना है। ज़्यादा देर तक अगर तेल में रहेंगे पापड़ तो तेल में से, इससे ज़्यादा तेल में रहेंगे तो ये तेल में लाल हो जाएंगे और फिर कड़वे भी हो सकते हैं, तो इसलिए फटाफट ये पापड़ बहुत जल्दी सिक जाते हैं क्योंकि हल्के होते हैं। तो इसी तरह हमने भी अपने पापड़ जल्दी से फटाफट से सेक लिए हैं और आप देख सकते हैं इन पर कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी ये आलू के पापड़ हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। काली मिर्च और जीरे का फ्लेवर इनमें बहुत टेस्टी लगता है। अगर आप इन पापड़ को नॉर्मल बना रहे हैं तो आप इनमें लाल मिर्च मिला सकते हैं और सेम यही प्रोसेस रहेगा उन पापड़ों का। और ये देखिए हमारे आलू के पापड़ कितने अच्छे से बनकर रेडी हो गए हैं। अब इन पापड़ों को आप व्रत में इजीली एंजॉय कर सकते हैं और बहुत एंजॉय कर सकते हैं। दही के संग तो ये पापड़ बहुत टेस्टी लगते हैं, एज अ डिप आप दही का यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप बताइए आलू के पापड़ की इतनी आसान रेसिपी देखने के बाद क्या आप मार्केट से आलू के पापड़ लेना पसंद करेंगे? आई एम श्योर बिल्कुल नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि ये आलू के पापड़ की रेसिपी है बेहद ही आसान, जिसे आप आसानी से अपने आप बना सकते हैं। तो फिर देर कैसे, बनाइए और इंजॉय कीजिए। इसी के साथ आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप मेरे चैनल पर किस टाइप के पापड़ की रेसिपी देखना चाहते हैं, मैं वो रेसिपी आप सबके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। तो जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो फटाफट से सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं एक और बेहतरीन रेसिपी के साथ, तब तक खाइए खिलाइए खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।